नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के काफी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है। एक तरफ जहां यूनियन बजट आना है, इस बार का जो बजट है वो फुल टाइम बजट ना होकर एक इंटरिम बजट है, तो पूरे ग्लोबल मार्केट की नजर कल भारत के बजट के ऊपर है कि स्टॉक मार्केट को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। इस सारी चर्चा वीडियो में आगे डिटेल में करने वाले हैं। आपको यह भी बताने वाले हैं कि जब भी आप बजट का एनालिसिस करें तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमेशा आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। तो दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर आज रात में भारतीय समय अनुसार 12:30 के आसपास FOMC की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसका इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट से संबंधित आउटकम आने वाला है। तो क्या डिस्कशन हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो FOMC की जहां एक तरफ मीटिंग की बात है उसका आज की वीडियो में डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा, तो दूसरी तरफ बजट का भी कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है। बजट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी फिर एनालिसिस करेंगे और उसमें कई इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो है FOMC की मीटिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज अमेरिका के अंदर FOMC जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है उसकी जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट से संबंधित जो मीटिंग है उसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आज होने क्या क्या वाला। तो पहला इंपॉर्टेंट निर्णय जो लेना है FOMC को वो लेना है कि फेडरल फंड रेट अमेरिका के अंदर आगे क्या रहेंगे। अभी वर्तमान में जो फेडरल फंड की रेट है वो 5.5% है। दूसरा इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है FOMC का इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को लेके किस तरीके से निर्णय होता है। तीसरी बात यह है कि जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस है उसमें किस तरीके के स्टेटमेंट FOMC मेंबर्स की तरफ निकल के आते, काफी इंपॉर्टेंट है। चौथी बात यह है कि FOMC की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी किस तरीके से जो है अलग अलग रिपोर्टर्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके से वहां गवर्नर और बाकी मेंबर्स आंसर देते हैं, इस पर भी पूरे ग्लोबल मार्केट की नजर रहेगी। तो ये आज रात में होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इस मीटिंग में पॉसिबल आउटकम क्या है। तो पहला जो पॉसिबल आउटकम है जिसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, करीब करीब मार्केट के अंदर 70% एनालिस्ट का मानना है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, स्टेटस को मेंटेन रहेगा। इसका मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, जो 5.5% है वहीं पे मेंटेन रहेगा, इसको मार्केट जो है स्टॉक मार्केट जो है पॉजिटिव लेंगे और मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव रैली आ सकती है। दूसरा पॉसिबल आउटकम यह है कि अगर 15 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट में हाइक हो सकता है, करीब करीब 20 से 25% जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि ये डिसीजन भी पॉसिबल है। अगर ये निर्णय होता है तो मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तीसरा पॉसिबल आउटकम है कि 15 से 25 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट में कट डाउन देखने को मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। पर अगर इंटरेस्ट रेट में कट डाउन देखने को मिलता है तो मार्केट के लिए बड़ा सरप्राइज पॉजिटिव होगा और बहुत बड़ी रैली कल निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि FOMC के मेंबर ये जो पॉसिबल आउटकम है इसको डिसाइड करने में जिन फैक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर अमेरिका का इन्फ्लेशन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रहेगा। वर्तमान में अमेरिका के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का लास्ट नंबर निकल के आया था वो 3.4% निकल के आया था, उसके पहले 3.2% था। तो वहां से 20 बेसिस पॉइंट जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बढ़ी है। अमेरिका में इन्फ्लेशन चरम पर है और मल्टी ईयर हाई पे है। तो ओवरऑल ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो FOMC के निर्णय को प्रभावित करेगा। दूसरा फैक्टर वहां की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की अगर बात करें तो लास्ट टाइम 4.9% था, वहां से घट के आया है। अमेरिका के अंदर ओवरऑल एनुअल बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में 2.25 से लेके 3% के बीच में GDP ग्रोथ रह सकती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो FOMC मेंबर जो है कंसिडर करेंगे अपना निर्णय डिसाइड करने में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अमेरिका के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कई तरीके के इश्यूज निकल के आए थे, NBFC और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी से संबंधित भी जो फैक्टर है वो FOMC के मेंबर्स लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले 6 महीने के पीछे अगर आप जाएंगे तो बैंकों में कई तरीके के लिक्विडिटीज के इश्यूज थे और कई तरीके के इश्यूज निकल के आ रहे थे, काफी हद तक चीजें स्टेबल हो गई हैं, तो ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथा क्रेडिट ग्रोथ का है कि बैंकों के अंदर क्रेडिट ग्रोथ किस तरीके से मेंटेन रहे, इस पर भी फोकस रहेगा। और पांचवा लिक्विडिटी का है, क्योंकि जब क्वांटिटेटिव ईजिंग कोरोना के टाइम पे की गई थी उसके बाद से लिक्विडिटी को लेकर काफी मेजर्स लिए गए हैं, उसी कारण वहां महंगाई बढ़ी थी। तो अब देखना होगा कि लिक्विडिटी में किस तरीके से स्टेटमेंट FOMC की तरफ से आते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो FOMC मेंबर्स के रडार पे रहेंगे जब वो निर्णय लेंगे। तो ओवरऑल ये FOMC से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज है। जब निर्णय होगा तो रात में पावर ऑफ मार्केट के YouTube चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम आपको इंटरेस्ट रेट से संबंधित निर्णय की जानकारी देंगे। ये उससे संबंधित एक डिटेल एनालिसिस है। अब बात करते हैं बजट की। देखिए, बजट की बात करें तो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली चीज तो ये है कि 4-5 बड़े फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं जिसके ऊपर पूरे बजट की तैयारी होती है। पहला होता है कि गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ इनकम के, जैसे आपके और हमारे फैमिलीज में सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं, चाहे इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो या इनकम फ्रॉम सैलरी है हमारे लिए, ऐसे गवर्नमेंट के लिए जो इनकम के सोर्सेज है उसमें इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स
और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वहां पे इनकम टैक्स और कंपनीज के ऊपर जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये मेजर इनकम के सोर्स है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज वगैरह, कस्टम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्स का सोर्स बनता है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो गवर्नमेंट, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर कई तरीके के पीएसयू के डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट करती है, वहां से भी गवर्नमेंट को जो है इनकम होती है। तीसरी बात ये होती है कि गवर्नमेंट का आपने देखा होगा कि कई तरीके का जो इन्वेस्टमेंट होता है वहां से गवर्नमेंट को रिटर्न्स जनरेट होते हैं, तो ये भी एक गवर्नमेंट के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स होता है। अब बात आती है कि जब इनकम के सोर्स की मेजर बात हो गई तो इसके बाद जो गवर्नमेंट के एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर है, एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह रहती है कि भाई गवर्नमेंट जो है अलग अलग जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स रहते हैं, स्कीम्स रहती है, वहां पे कितना बजटरी एलोकेशन करती है, अर्थात किस विभाग के अंदर कितना बजट जो है एलोकेटरी किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि बजट की एक सीमा होती है और विभाग बहुत सारे हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट को उन सेक्टर्स को जो हाईलाइट करना पड़ता है जिनके ऊपर फोकस करना है। तो एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स रहती है, प्रोग्राम्स रहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर कितना बजटरी एलोकेशन है, डिफेंस के ऊपर जैसे रेलवेज के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके और उससे संबंधित सेक्टर के अंदर आपको हाई वॉलिटिलिटी कल देखने को मिल सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात होती है फर्टिलाइजर्स की। आपको पता होगा पीछे अगर आप जाएंगे तो पहले फ्यूल फर्टिलाइजर जो है वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए कंसर्न रहता था, गवर्नमेंट के लिए बर्डन आता था, पर अब फ्यूल सब्सिडी की बात करें तो काफी हद तक कम गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल कर लिया। और आपने देखा होगा कि उसका प्रमुख कारण ये कि गवर्नमेंट को जो पेट्रोल और डीजल से जो इनकम हुई है उससे फ्यूल सब्सिडी को गवर्नमेंट ने जो है रैशनलाइज किया, जिससे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। दूसरी बात होती है फर्टिलाइजर सब्सिडी की, तो फर्टिलाइजर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित भी कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बजट में देखने को मिलते हैं। और एक बात है फूड सब्सिडी की, आपको ध्यान होगा कि भारत में करीब करीब 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन की जो गवर्नमेंट की स्कीम कोरोना टाइम से चल रही थी उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये भी एक ऐसी जो है प्रकार की फूड सब्सिडी होती, तो बजट में देखना पड़ेगा कि किस तरीके का इसका नंबर निकल के आता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब्सिडी की बात है। और तीसरा होता है कि गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम क्या है, एक इंटरनल बोरोइंग प्रोग्राम होता है और एक एक्सटर्नल बोरोइंग प्रोग्राम होता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनल डेट कितने हैं और किस तरीके से वो उसको रिफाइनेंस करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इन दी एंड एक्सपेंडिचर करने के लिए जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसका जो अंतर होता है यही फिस्कल डिफिसिट कहलाता है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है, भारत एक फिस्कल डिफिसिट कंट्री है, तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो कम है पर जो एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, इसलिए जो बीच का अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। इंटरनल बोरिंग हो सकती है, एक्सटर्नल बोरिंग हो सकती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के माध्यम से, ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आरबीआई के माध्यम से रेज करती है। इसके अलावा कई एक्सटर्नल बोरिंग प्रोग्राम भी रहते हैं, आपको पता है कई वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, आईएमएफ की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम के ऊपर भी जो है बजट के अंदर नजर रहती है। अब स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर क्या बजटरी एलोकेशन अनाउंस होता है। आपको ध्यान होगा कि पिछले एक महीने पहले हमने आपको जो है इंटीमेट किया था कि प्री बजट रैली मार्केट के अंदर आ सकती है, और आपने देखा होगा रेलवे के अंदर, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से संबंधित, इरीगेशन से संबंधित जो कंपनीज है उनके अंदर एक शानदार मूव्स देखने को मिला है। तो अब ये सेक्टर्स ऐसे हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फर्दर अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट होते हैं तो मार्केट को सरप्राइज कर सकते हैं। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट के नंबर के ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। FY24 की बात करें तो 5.9% के आसपास निकल के आया था, FY25 की बात करें तो 5.3% के आसपास रह सकता है, FY24 में 5.9% के टारगेट थे और FY26 के जो टारगेट है वो 4.5% ऑफ GDP है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, मैक्रो फैक्टर्स है जो मार्केट को प्रभावित कर सकता है। तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट के बाद में आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई जो नॉमिनल जीडीपी का जो नंबर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट किया जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 10 से लेकर 10.5% के बीच में जीडीपी का नंबर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल सकता है, तो ये भी एक ऐसा काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके रडार पे होना चाहिए। और ओवरऑल इनकम टैक्स से संबंधित प्रपोजल्स में और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी वो पूंजीगत खर्चा, कैपेक्स या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट के जो पिछली बार के टारगेट थे वो करीब करीब 7.5 लाख करोड़ के आसपास के थे, इस बार के जो नंबर है वो 10 लाख करोड़ के आसपास के हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जो बजट में आपको एनालिसिस करना चाहिए और पावर ऑफ मार्केट की टीम आपके लिए सिंपल शब्दों में समझाएगी भी। आज भी हमने जो बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, बजट को कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेके, अगर आपको पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करिए। निफ्टी की जहां तक बात करें तो ओवरऑल आज फिर एक हाई वोलेटाइल पॉजिटिव सेशन देखने को मिला है और पिछले 3 दिन में आपने देखा होगा कि
किस हिसाब से वॉलिटिलिटी रही है, और यही पावर ऑफ मार्केट ने आपको सैटरडे संडे के वीडियो में अपडेट कर दिया था कि गुरुवार के पहले मार्केट के अंदर कोई मेजर डायरेक्शन नहीं आएगा। अब कल के लिए अगर रेसिस्टेंसेस की बात करें तो निफ्टी स्पॉट में 21,750 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, उसके बाद 21,850 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ 21,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद 21,250 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कल काफी हाई वोलेटाइल वीकली एक्सपायरी निफ्टी की हो सकती है। अगर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल 21,750 के ऊपर होती है तो काफी पॉजिटिव मानी जाएगी, और अगर 21,400 के नीचे होती है तो शॉर्ट टर्म में इसको नेगेटिव लेके आपको चलना चाहिए। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी काफी पॉजिटिव हुई है, 46,000 के ऊपर पॉजिटिव एक्सपायरी हुई है। कल के लिए पहला रेसिस्टेंस 46,250 का है, दूसरा रेसिस्टेंस 46,600 का है। सपोर्ट की बात करें तो 45,650 का पहला सपोर्ट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 45,000 के आसपास है। अगर कल बैंक निफ्टी जो है 45,000 के नीचे क्लोज दे देती है तो शॉर्ट टर्म में पैनिक सेलिंग आ सकती है, और अगर ऊपर की तरफ 46,500-46,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो आने वाले दिनों में 47,000 और 47,500 के लेवल बैंक निफ्टी स्पॉट में देखने को मिलते हैं। ओवरऑल पूरा ग्लोबल मार्केट फ्लैट चल रहा है, अमेरिका के इवेंट और भारत के बजट के ऊपर ग्लोबल मार्केट की नजर है। तो आशा करते हैं जब ये इवेंट्स निकल के आएंगे तो डिटेल में फिर आपके सामने एनालिसिस रखेंगे। तो अगर आप इकोनॉमी के मैक्रो माइक्रो फैक्टर का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, टेक्निकल्स को उसको मिला के अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग निर्णय में सुधार करना चाहते हैं तो पावर ऑफ मार्केट के मेंबर बनिए, हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।